हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल थोनों सारयां नूं मेरे वल्लों। किद्दां तुसीं सारे जणे, होप तुसीं चंगे होगे, मैं भी चंगी हाँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ जो एक रोज़ फ्लावर है उसकी उसकी पेंटिंग में उसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी बार आई है कि आप हमें रोज़ और बटरफ्लाई, इन दो चीज़ों की डिमांड मुझे काफ़ी बार 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 आई है। तो आज मैं आपके साथ वही रोज़ फ्लावर जो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से बनता है और बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, मैं आज आपके साथ उसी की जो है ना वीडियो वो शेयर करने वाली हूँ। ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये रोज़ है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टिल कर देती हूँ, अगर आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो यहीं से। इसे एज इट इज़ ये आप पेंट कर सकते हो किसी भी कलर में, रेड, मरून, पिंक, येलो, ब्लैक, किसी भी कलर में आप कर सकते हो। तो मैं आज आप बनाने जा रही हूँ ये पिंक 18 और वाइट। तो आपने क्या करना है, जो मिक्सिंग टेक्निक होती है ना उसमें डेप्थ और लाइट दिखाई जाती है। जो हिस्सा बाहर होगा वो लाइट होगा, जो हिस्सा डार्क होगा वो अंदर होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले इसकी जो पेटल्स है ना वो हमने अंदर की साइड डार्क कलर रखना है यहां पर। ऐसे ये डार्क हमने फिल कर लिया ना पहले। उसके बाद आपने अपने हाथ में एक कपड़ा रखना है, एक्सेस जो कलर होगा वो उसके ऊपर हमने साफ कर देना है। इसे थोड़ा सा ऐसे फिला दीजिए आप, ताकि एक ही साइड ज्यादा ना हो जाए। अब आपने क्या करना, व्हाइट कलर ले लेना, जो आउटर लाइंस है ना यहां से, इसकी जो आउटर लाइंस है उस पर आपने व्हाइट कलर कर देना। अब आती है हमारी इसकी इसमें मिक्सिंग की टेक्निक, जो मैं आप नेक्स्ट करने वाली हूँ। आपने ना इजी वे है इसको करने का, आपने क्या करना है, इसको राउंड राउंड में ब्रश को चला दीजिए। अब ये आप देखेंगे ना कि कलर जो है वो सूख रहा है। आपने इसमें ना बार बार आपने कलर नहीं उठाना, और ये कपड़े जो फैब्रिक टू फैब्रिक ये चीज़ वर्क करती है। जैसे ये ऑर्गेंडी जो होती है ना, ये थोड़ी सी ड्राई होगी। इसे आपने यहाँ से फिर से ले लो थोड़ा सा कलर। कलर इसमें मिक्सिंग में बहुत ही कम लगता है। ये जो मैंने फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ना मैं, ये वाइट है, थोड़ा सा वाइट ले लीजिए ताकि हमें इसकी एजेस दिखाने हैं अभी। फिर आप थोड़ा सा ये ले लीजिए डार्क कलर। इसी सूट में ना बटरफ्लाई यूज हुई है, बनी हुई है। इसकी नेक्स्ट मैं जो डालूंगी ना वीडियो, वो बटरफ्लाई होगी। बटरफ्लाई भी दो तरह की बनी हुई है, आप आराम से बना लोगे अगर मैं आपको एक भी बता दूंगी तो। इसको ऐसे मिक्स कर ही जाना है, चाहे तो आप बाहर वाला वाइट पहले ले लो, चाहे आप अंदर वाला डार्क पहले ले लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने दिखानी है इसकी, इसमें ये एक जैसा होगा, वाइट लाइट पिंक और नीचे ना डार्क पिंक तो अलग से आपको देना ही है, क्योंकि अगर आप दोगे नहीं ना तो वो 3D लुक नहीं आएगी एक जो आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, नीचे वाला, अब ये जिसका आउटर है ना ये वाइट है ना, तो इसको खत्म नहीं करना, नहीं तो फिर वो बीच में मिक्स हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहां से पिंक उठा लेना है, ठीक है। अब वाइट सेम वैसे ही बाहर वाली साइड पे, रेड बनाना चाहते हो उसका भी आप बना सकते हो, रेड का भी बना सकते हो, मरून का भी आप बना सकते हो। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर देना,
अपने हाथ में एक रफ कपड़ा आपने रखना है, ऐसे। अब मैं फटाफट से ये जो है ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, यहां से ये वाली पत्तियां सेम है, ये चार, ठीक है। फिर मैं आपसे आके करना, यहां से ना व्हाइट कास्ट ले लेना थोड़ा सा कलर, ठीक है, यहां पे ले लिया। और जो इसका ये वाला हिस्सा जा रहा है ना रोज का जो होता है, उसको हमने यहां से ऐसे ले जाना है, यहां पर व्हाइट ले जाओ, मतलब लाइट कलर लेके जाना, जो भी आप लाइट कलर यूज कर रहे हो। फिर आपने क्या करना है, जो डार्क कलर होगा ना उसे यहां से ले जाना है, ठीक है। और जो इसके बीच में ये जो जगह बची है ना, इसमें मिक्सिंग कर देनी है आपने। ये जो सूट मैंने बनाया उसमें पिंक और ये कलर यूज किया मैंने, पर्पल फ्रोजी, वो जो होता है ना डार्क, वो वाला कलर यूज किया। लेकिन तब मैंने ये वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन तब मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप रोज फ्लावर जो आपने बनाया है उसकी पेंटिंग बताइए, तो इसलिए मैंने आज स्पेशल उसकी फिर वीडियो बना रही हूँ मैं। प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर हेल्पफुल लगती है ना, प्लीज़ आप उन्हें ना कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। काफ़ी आगे आगे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इसका जो ये पार्ट रह गया ना, इसका ये जो आउटर लाइंस है ना, आउटर ये वाली, यहाँ पे हमने इसको वाइट कर देना है ऐसे, ठीक है। व्हाइट कलर आप इसको चाहे कर ही दो, इसमें आपके ब्रश में ना थोड़ा सा डार्क कलर लगा रहेगा, उससे इसकी जो अच्छा सा कलर बन जाएगा। ये जो यहाँ पे डार्क कलर है ना, इसके साथ भी आपने लाइट ही करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप डार्क कलर दे दीजिए। और इसी के बीच आपने ना एक काम और करना है कि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे भी आपने डार्क कलर दे देना है। उससे क्या होगा ना
कि जब हम इस पे वाइट कलर करेंगे तब तक ये थोड़ा सा सूख चुका होगा। ठीक है, ये ना थोड़ा गीला था, मेरा हाथ लग गया यहाँ पे, इसका कलर जो था वो साफ हो गया। यहाँ पे आपने वाइट यहाँ पे भी लगा लीजिए आप, ताकि इसका ये जो लीव है ना वो अलग दिखे आपकी। उसके बाद क्या करना आपने इसको, मिक्सिंग कर देनी है इसकी। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर आप देना चाहो तो और दे सकते हो, उससे थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी इसमें। अब आपने क्या करना है, ये जो हिस्सा बचा ना इसमें आपने वाइट कलर से ना पेटल्स ही क्रिएट कर देनी है ऐसे। ठीक है, अब ये जो थोड़े थोड़े गैप रह रहे हैं ना इसमें आपने डार्क कलर दे देना है, जैसे ये है ना, क्योंकि एक एक लीफ करते हैं तो ऐसा रह जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क जहाँ भी आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ डार्क होना चाहिए वहाँ आप डार्क दे सकते हो। अब आपने हमने क्या करना है, इसमें ग्रीन कलर ले लेना है, लीव्स बनानी है ना। एक बना के दिखाती हूँ, जैसे इसकी लाइंस आपने यहाँ से निकाल ली। ग्रीन आप कोई भी ले सकते हो, डार्क भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसी हमने यहाँ पे लीव्स ले ली, ऐसे ही इसको बना लिया। पहले आप नॉर्मली ले लो सिंपल, ताकि थोड़ा सा इजी हो। देखिए नॉर्मली आप यहाँ पे, अगर तो आपको इसको डार्क करना है तब आप थोड़ा सा ब्लैक ले सकते हो, अगर आपने इसमें थोड़ी सी लाइटिंग चाहिए आपको और, तो आप वाइट कलर ले लो, शेडिंग अगर आपको वाइट से चाहिए तो। इसको आपको कुछ बहुत ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से दो डेप्थ वहाँ से दो, इसको आप थोड़ा सा सिंपली शेडिंग दे दो बस। अब मैं इनको
अब आपने क्या करना, ब्लैक कलर लेके ना, ये जो ऐसा डिटेलिंग दे दीजिए आप इसमें, आपने आउटलाइन देनी है तो वो आप ऐसे दे सकते हो अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप ऐसे दे सकते हो, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने सूट में नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ भी, आपके लिए ही है। अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, ये ऐसे बन गया, यहाँ पे भी दे सकते हो आप अंदर थोड़ा सा। ठीक है, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, जो मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो है ये ग्लिटर का टच, ऐसे आपने दे देना है यहाँ पे, इसकी डंडियों में और कहीं ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैक हमने खींचा है यहाँ पर, मैंने पूरे सूट में दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई दूसरा भी इसे इसे यूज़ में ला सके। और अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि मुझे कहा गया है कि आप प्लीज़ बटरफ्लाई भी बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी सूट पे बनी हुई बटरफ्लाइज बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।